रोलिंग सर, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, कॉप्स के रोल में आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर 50 एपिसोड कंप्लीट होना, क्या कहना चाहेंगे वो भी स्टार भारत चैनल पर? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस किरदार को पसंद किया, थैंक यू सो मच आप लोगों ने शो को पसंद किया। ऑब्वियसली इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, पूरी टीम वर्क, पूरी टीम है इसके पीछे, हमारा प्रोडक्शन है, हमारी डायरेक्शन टीम है, हमारे को एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, स्पेशली मैं राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ टीवी शो में। टिपिकल राइटिंग से हटके जो पंचेस लाइन आ रही हैं, स्पेशली छोटे छोटे चंक में आ रही हैं, वो बड़ा एपिसोड को बांध के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे सीन्स आ रहे हैं या बोर हो गए। तो स्पेशली थैंक्स टू राइटर द मेकर्स एंड माई अमेजिंग क्वालिटी। शो के ग्लिम्स देखे काफ़ी थोड़े डरावने हैं, क्या कहना चाहिए, आप भी डर रहे थोड़े थोड़े घर के अंदर जाके, क्या कहना चाहेंगे? शो का जो आधार है वो ऐसा ही है ना, हमारा हॉरर है, हॉरर कॉमेडी है, उसमें कॉमेडी ऑफ एरर है बोल सकते हैं आप थोड़ा सा, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा चंक आता है कि आप जब 100 लोग बोलते हैं झूठ है झूठ है झूठ है झूठ, तो हमें झूठ लगता है, 100 लोग बोलते हैं सच है सच है तो मुझे भी सच लगता है। तो गाँव वालों के साथ शायद मैं ऐसा ही हो गया हूँ कि लोगों को डायन दिखती है तो मुझे भी दिख रही है या नहीं है वो तो देखते ही पता चलेगा। मैम आप बहुत बढ़िया, ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करने मिला है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर हमने ज़्यादा देखा नहीं है टीवी शोज में। इट्स आइदर एंटीगनिस्ट और अपनी हीरोइन होती है, बट बिंदु का कैरेक्टर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रहा है ना शो में, तो वो कहानी आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है, बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, स्पेशली द डांस। Yeah, I love the dance. And if you guys don't know, she choreographed her own dance, huh? Yeah. Amazing. So just thank God. Okay, Aishi, फिर आपको डांस परफॉर्मेंस में कितनी एफर्ट डालनी पड़ती है, कितना आप सीखते हो? No. सेम वन टेक में डन। She's effortless. हम सिर्फ रोल बोलते हैं और मैं डांस कर देती हूँ। Yeah. मुझे डांस करना इतना पसंद है और मेरा कैरेक्टर क्योंकि ये चमकिया की एक बहुत मशहूर डांसर है, तो अच्छी बात है आयुषी को भी डांस आता है तो वो बिंदु के कैरेक्टर को हेल्प करते हैं। क्या बात है, और हमें बड़ा मज़ा आता है डांस सीक्वेंस जब हम शूट करते हैं, तो इट्स फन ऑन सेट, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं तो जब अपने को देखती हूँ लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे फेस को, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। अच्छा बाय द वे हमारी चंद्रिका मैम जो बिंदु की गुरु है, माँ है, दादी है, जो भी आप मानना चाहो, हमें खुद नहीं पता आपको क्या है, साथ रहती हूँ, ये मुझे प्रोटेक्ट करती है और मेरी शक्ल देख के ऐसे लगता है कि क्या हो गया, बहुत खुशी, इसलिए मैं आज आई कि मेरी शक्ल देख लो बाबा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस शूट एंड आई थर्ड शो निर्जा में सर आपने काफी अच्छा रोल प्ले किया था। कितना तंग करते हो आप राजवीर को? हाँ अभी हम मतलब ऐसे ना क्या बात है, दो साल ही जानते हैं हम, ऐसा लगता है जैसे बचपन से जानते हो। शो में हम 12-12 घंटे साथ में रहते हैं सेट पर, एक ही सेट पर, और लगातार 3 शो करने के बाद तो मतलब वो आई डोंट इवन रिमेम्बर, मैं घर पे आधा टाइम सिर्फ सोती रहती हूँ, इसको ही देखती हूँ मैं।
शक्ल देखो, अब आदत बन गई है हमारी, मतलब जैसे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बन गया बन गया। अरे यहाँ क्यों है, लेकिन यहाँ होना चाहिए। मैंने अपने पहले शूट में बोली थी वो चीज़ कि हाँ आई एम अ सोशल ब्लॉगर, तो मेरा ये काम है। तो देखिए सर, मैंने सही बोला कि बना दूंगा उसको फेमस, पर सर ने मेरा फोन तोड़ दिया था उसमें। बट वो जो स्टोरी भाग लेकर 50वें एपिसोड में आई, सर ने किस तरह से मेरे को बचाया एक फिल्म में डायन से, तो वो एक बहुत लाइक पर्सनली मेरे लिए बहुत एक सही प्लॉट था। मैं सर को बीच में हंसता भी होता था कि सर पहले एक वो विलन वाली चीज़ चल रही थी, सर बाद में तो मेरी पार्टी बदल चुकी है, मैं सर की साइड पर हूँ, आई एम सो हैप्पी। सर आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आपके कॉप्स के रोल के, रोल कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहे हैं कुछ अगर आप बता सके आपके रोल को लेकर, कॉप्स के रोल को लेकर आपके फैंस क्या बोल रहे हैं कुछ अगर आप बता सके? इसका लुक बड़ा ही डिफरेंट है, तो आई थिंक हमें जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं अभिमन्यु को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके लुक को लेकर काफी हॉट कॉप हाँ वो चर्चा है, इसका लुक बड़ा ही अच्छा दिया है। आप सबके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें वो सब पढ़कर और मीडिया से जानकर, इतने प्यारे एडिट्स हैं, आप लोग इतने एफर्ट्स डालते हो, सो थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार हमें मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे, हम वापस 50 से 500 एपिसोड हाँ हम साथ में फिर सेलिब्रेट करें। तो लॉन्ग 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 और प्लीज 10:29 को मंडे टू सैटरडे स्टार भारत पर हमारा शो देखते रहिए। यूट्यूब में भी है, बट एक्चुअली इतना बोलने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज रियली यूनिक है ना, ऐसा मतलब आपने देखा होगा टेलीविजन में इतने जो वे इनके जो सीन्स भी किए गए दोनों के एंड ऑल, माई गॉड इट इज लाइक अ मूवी। सो मुझे नहीं लगता ऑडियंस को इतना बोलने की जरूरत है शो में। नहीं नहीं वो तो मालूम है, नॉट साथ भो कॉम्पिटिशन वाला किरदार नहीं, सबको एक अलग शेड है, अलग कुछ करने के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खड़े ही हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स अ डिफरेंट शो लाइक फ्रॉम अदर, इट्स अ डिफरेंट शो। नाइस, बाय द वे ये हमारे शास्त्री जी हमारे शो की जान है। हाँ अरे ये हमारे शो की जान है यार, अगर ये नहीं होते तो हम लोग ऐसे नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मुझे मिली है काम करने के लिए, इन्होंने शो में जो कहानियाँ किस तरफ घूमेंगी किस तरफ जाएंगी, मोड़ जो देते हैं वो सामने से एक्टर्स इतने अच्छे हो ना भाई के साथ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सब कुछ मजा आता है बहुत काम करने। नाइट में शूट करते हैं, नो वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज़ मीडिया पे खड़ी है, आप अगर बाद में भी कभी आओ पूछो ना तो यही मिलेगा आपको आंसर, दैट एवरीबॉडी इज लाइक रियली स्वीट। थैंक यू सो मच।